जी वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। इस वाले में वीडियो में हम 11 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपने से कि वाट आर कंपोजिट नंबर्स। कैन ए कम पहले तो कंपोजिट नंबर्स क्या है बताना है अपने को, उसके बाद कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है। If yes, write the smallest odd composite number. और अगर हाँ तो सबसे छोटा composite number बताइए। तो सबसे पहले तो composite number हम जान लेते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं composite number क्या होते हैं, ऐसे number जो कि prime number नहीं होते, वो सारे composite होते हैं, यानी कि जिनके ज़्यादा factors होते हैं, बहुत सारे 2 से ज़्यादा जिनके factor होते हैं उन्हें हम composite number कहते हैं। जैसे कि हमने example के लिए 4 देख लेना है अपने को, ये वाला चार्ट जो हमने बनाया था कॉपी में भी, इसको सीखा है कॉपी बनाने लास्ट वीडियो में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर भूल गए हो तो। जैसे कि ये है 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर। 4 के जो अब हम फैक्टर देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, 1 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 1, यानी 1, 2 और 4 ये 3 इसके फैक्टर हैं, यानी 2 से ज़्यादा है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक, इसी वजह से नंबर को कंपोजिट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो है वो ये हो जाएगा कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर, यानी नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसी में हमारा आगे क्वेश्चन था कि क्या कोई जो फैक्टर्स होते हैं है ना, कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो ऑड हो सकते हैं। तो फिर से हम अपने चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिखेगा कि देखिए यहाँ पर हमारा जो 9 है ये तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है और ये कंपोजिट भी है। ठीक है, तो इसमें जो हमसे पूछा कि क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है, तो हाँ कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है, अपने को यहीं पे दिख गया। और हमसे आगे जो पूछा था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है स्मॉलेस्ट ऑड में वो 9 है, बाकी ये जो कंपोजिट है ये इवन है, ये भी इवन इवन है, सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट आता है हमारा वो 9 है। तो 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर से राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर का ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स किसे कहते हैं, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। तो सबसे पहले तो जानिए ट्विन प्राइम्स किसे कहा जाता है। 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स, यानी 2 लाइन से जब है ना ऑड प्राइम नंबर्स आते हैं तो उनको हम ट्विन्स प्राइम कहते हैं। लाइन से का मतलब है कि अगल बगल और बीच में का इवन नंबर आएगा ही आएगा, वो तो हम देख ही चुके हैं। जैसे हम अपना चार्ट को देख लेते हैं, यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। जैसे कि यहाँ आप देखिए है ना, ये पहला ये 2 और 3 है, ठीक है ना, लेकिन ये 2 क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पे प्राइम नंबर तो 2 भी है लेकिन ये इवन है, और ट्विन्स प्राइम में जितने भी नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। ट्विन प्राइम का जो हमने डेफिनेशन देखा वो यही है, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स, यानी लाइन से आने वाले ऑड प्राइम। तो ये देखिए 2 के बाद ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये आता है 3। 3 और 5 जो है वो लाइन से आ रहा है ना, पहला जो है ये हमारा पहला दूसरे नंबर पे आ रहा है, किस में, प्राइम नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी लाइन से आ रहा है और दोनों ऑड है, तो इनको ही हम ट्विन्स प्राइम कहते हैं। वैसे आप 5 और 7 को भी ले सकते हैं, ये भी ट्विन्स प्राइम कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन 7 और 11 कहाँ गया, ये नहीं कहलाएगा। 11 और 13 हमारा ट्विन्स प्राइम कहलाएगा, ठीक है। 17 और 19 जो है हमारा वो ट्विन्स प्राइम कहलाएगा। इस टाइप से जो जो ऑड रहते हैं और लाइन अगल बगल में रहते हैं एकदम है ना, एक बीच में बस इवन नंबर आता है, उसे हम ट्विन्स प्राइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसी में आगे कि कहाँ गया, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच में जितने भी ट्विन्स प्राइम हैं उसके बारे में अपने को बताना है। तो हम फिर से अपने चार्ट को देखेंगे, इसीलिए मैं ये चार्ट बनाना आपको सिखा चुका हूँ पहले ही, ताकि ये चार्ट हमारा बाद में बहुत काम आता है। तो इसमें देखिए 50 से 100 के बीच में कौन कौन से ट्विन्स प्राइम्स हैं। तो सबसे पहले 50 में हम जाते हैं, ये रहा हमारा 50। 50 के बाद आता है हमारा 51 53, ये तो है नहीं क्योंकि है ना 53 के बाद जो नंबर है 59 है, तो ये बहुत दूर दूर है, ये नहीं होगा। 59 और 60 के बाद 61, तो 59 और 61 पहला पेयर हो गया ट्विन्स प्राइम का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 67 के बाद 69 तो है नहीं, तो ये तो कहलाएगा नहीं, ठीक है ना। 71 और 73 लाइन से हैं और ऑड हैं दोनों, तो ये दोनों भी ट्विन्स प्राइम कहलाएंगे। उसके अलावा एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो लाइन से है और ऑड है, ठीक है। यहाँ तो लाइन से ही नहीं है, ऑड की तो दूर की बात है। तो ये दो नंबर से दो पेयर ही हमको मिले, एक मिला था 51 कहाँ गया, सॉरी
59 और 60 61, ये रहा 59 और 61 एक नंबर है, और एक 71 और 73, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। 50 और 100 के बीच में यही दो नंबर्स ट्विन प्राइम है, ठीक है। लास्ट हमसे जो क्वेश्चन है इसमें 30 नंबर में, ये क्या पूछा आपने से, व्हाट आर को प्राइम्स, को प्राइम्स अब क्या होता है, गिव एग्जांपल ऑफ फाइव पेयर्स ऑफ को प्राइम्स, और पांच एग्जांपल देने अपने को प्राइम्स के। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स, क्या जो को प्राइम्स होते हैं वो हमेशा प्राइम्स ही होते हैं। इफ़ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाई एन एग्जाम्पल, यानी अगर नहीं होते हैं तो आप अपने एग्जाम्पल से बताइए कि जो को प्राइम्स होते हैं कि वो प्राइम्स क्यों नहीं हो सकते हैं, है ना, हमेशा प्राइम क्यों नहीं होते, मतलब प्राइम तो होते ही होंगे, हमेशा होते हैं कि नहीं होते हैं ये अपने को बताना है। तो पहले तो हम जानते हैं कि को प्राइम्स क्या होता है। तो दो नंबर, टू नंबर्स आर सैड टू बी को प्राइम्स, यानी इसमें कुछ प्राइम व्राइम नहीं देखना है, बस दो नंबर्स चाहिए उनको हम को प्राइम्स कह सकते हैं। इफ़ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा, अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो हम उसको को प्राइम्स कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो नंबर्स जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो केवल, है ना, वन के अलावा, वो को प्राइम कहलाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो नॉर्मल टू नंबर ले लेते हैं और एक थ्री ले लेते हैं। टू का जब हम वो देखेंगे, फैक्टर देखेंगे, तो क्या होता है, वन मल्टीप्लाई टू इक्वल टू टू, और टू मल्टीप्लाई वन इक्वल टू टू, यानी कि ये इसका फैक्टर हो गया। और थ्री का जब हम देखते हैं तो थ्री मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू थ्री, और थ्री मल्टीप्लाई वन इक्वल टू थ्री, यानी कि यहाँ पर हम दोनों में देख रहे हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, इसका फैक्टर कौन सा है, वन और टू है, और इसका फैक्टर वन और थ्री है, ठीक है ना, और कॉमन फैक्टर कौन से हैं दोनों में, केवल वन है, तो ये दोनों जो हैं वो को प्राइम कहलाएंगे। अब इसके आगे हमसे क्वेश्चन किया था, कहाँ गया, 13 नंबर, गिव एग्जांपल ऑफ फाइव पेयर ऑफ को प्राइम्स, यानी फाइव एग्जांपल अपने को देना है को प्राइम्स के। तो इसका आप स्टार्टिंग से ही नंबर ले लीजिए, एक टू और थ्री हो गया, है ना, एक थ्री और फोर भी हो जाएगा, ठीक। थ्री और फोर का भी जब आप निकालिएगा फैक्टर तो वन ही दोनों में कॉमन मिलता है। उसके अलावा एक एग्जांपल लेते हैं फोर और फाइव, फोर और फाइव भी एक नंबर्स हैं जिनके मतलब जो आते हैं आंसर वो क्या होते हैं, एक ही फैक्टर होता है उसमें वन, ये वन टू थ्री एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल ले लीजिए आप फोर और नाइन, और एक एग्जांपल ले लीजिए एट एंड फिफ्टीन। ये जो एग्जांपल हैं शुरू किए, ये फाइव एग्जांपल्स हैं जो को प्राइम्स हैं, जिनमें जो कॉमन फैक्टर मिलता है वो केवल वन मिलता है। जैसे हम इसका एक और देख लेते हैं, एट का फैक्टर बहुत सा जब निकालेंगे हम तो वन मल्टीप्लाई एट होगा, टू मल्टीप्लाई फोर होगा, फोर मल्टीप्लाई टू होगा, ठीक है ना, इस टाइप से होगा इसका फैक्टर। और फिफ्टीन का क्या निकलेगा, वन मल्टीप्लाई फिफ्टीन, थ्री मल्टीप्लाई फाइव, फाइव मल्टीप्लाई थ्री, इसमें इन दोनों में जब हम कॉमन देखेंगे तो केवल वन जो होगा वो कॉमन फैक्टर होगा हमारा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो है फाइव एग्जांपल्स हमारे वो को प्राइम्स के हैं। हमसे आगे इसी में पूछा हुआ था, आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स, जो को प्राइम होते हैं क्या वे हमेशा प्राइम होते हैं, तो इसका ज़रूरी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखें फोर एंड फाइव, जो हमारे एग्जांपल है, ये फाइव जो है वो प्राइम नंबर तो है, ये फाइव प्राइम नंबर है, ठीक है ना, लेकिन ये जो फोर है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, थ्री फैक्टर हैं, एक वन है ना, एक टू, सॉरी टू फैक्टर से ज़्यादा है, मतलब कि एक अपना नंबर, यानी दिखाता हूँ इसको मैं बता के आपको, इसका एग्जांपल भी हो जाएगा। इसमें आगे पूछा भी था कि अगर नहीं तो फिर अपना आंसर एग्जांपल के साथ दीजिए, तो हम एक को प्राइम्स का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारा है फोर एंड फाइव, फोर एंड फाइव है। फोर का जब हम वो देखेंगे फैक्टर तो कितना निकलेगा, एक तो वन निकलेगा, वन मल्टीप्लाई फोर, एक टू मल्टीप्लाई टू निकलेगा, और एक फोर मल्टीप्लाई वन निकलेगा, यानी इसमें तीन फैक्टर हो गए, ठीक है, और ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अब ले लेते हैं हम फाइव, जो कि एक प्राइम नंबर है, इसका हो जाएगा वन मल्टीप्लाई फाइव, और एक तो फाइव मल्टीप्लाई वन, यानी दो ही नंबर है, इसलिए ये क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक। तो जो फोर है हमारा, देयर आर, जो हमारे पास फोर आया उसके, वो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन फोर और फाइव जो पेयर्स हैं वो क्या है, को प्राइम्स के पेयर हैं, इसलिए ये हमारा क्या कहा जाएगा, मतलब जो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे, आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, को प्राइम्स आर और नॉट ऑलवेज प्राइम्स, यानी हमेशा वो प्राइम्स नहीं होते हैं। उसके बाद फिर ये एग्जांपल से आप इसको सॉल्व बता सकते हैं कि इस टाइप से हमारा जो फोर है वो फोर इज़ ए कंपोजिट नंबर, यहाँ पे इसके बाद आप लिख भी दीजिएगा फोर इज़ ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इस टाइप से अपने को बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, यानी ये जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं इनको हमको प्लस करके बताना है, यानी 36 को हमको दो नंबर को प्लस करना है आपस में और 36 आना चाहिए। लेकिन इतना आसानी से भी नहीं बनाना है अपने को, ये अब दाल भात थोड़ी देगा अपने को। 36 तो हमको लाना है, तो हम 30 + 6 कुछ भी कर सकते हैं, 32 + 4 ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास शर्त क्या रख दिया है, टू ऑड प्राइम्स, यानी दो ऑड प्राइम को ही हमको जोड़ करके 36 लाना है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं 36 वाले एक एग्जांपल, 14 का फर्स्ट नंबर 36, और इसको हमको लाना किस में है, दो ऑड प्राइम नंबर्स को जोड़ करके हमको 36 लाना है। तो पहले तो हम अपना प्राइम वाला चार्ट देख लेंगे। ये हमारा जो चार्ट है इसमें देखिए कौन कौन से नंबर को हम प्लस करें कि 36 आ जाए, दोनों ऑड होने चाहिए। तो हमारे पास सामने ही दिख जा रहा है आंसर, 17 और 19 हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो यहाँ पर हम इसमें आंसर ऐसे ही लिखेंगे कि 17 एंड 19 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स दैट मेक 36, यानी 17 और 19 जो हैं दो ऑड प्राइम नंबर्स हैं जो कि 36 बनाते हैं। इसी टाइप से आपको इसके पूरे जो नंबर्स दिए हुए हमको क्वेश्चन में है ना, कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, 42, 84, 80, 98 है ना, इस टाइप से जितने भी नंबर्स हैं उसको आप यहाँ पर से देख के आसानी से अपना, अगर आपको ये चार्ट याद भी हो जाता है या आप इसको बना लेते हैं तो आप आसानी से फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स नंबर, यानी कि जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ना इनको थ्री ऑड प्राइम में हमको चेंज करना है। जैसे कि सभी हम लोग यहाँ पे टू नंबर्स को प्लस करके 36 लाए हैं, यहाँ पे सेम वही काम करना है, ऑड ही नंबर्स लेने हैं, प्राइम होने चाहिए और 31 लाना है। तो इसको हम पहले लोग देख लेते हैं कितना, इस नंबर्स को हम देख, पहले तो नंबर लिख लेते हैं, हमारे पास नंबर जो है 15 के फर्स्ट में वो नंबर दिया हुआ है 31, ठीक 31 को अपने को लाना है थ्री ऑड प्राइम्स को ऐड करके। स्टार्ट करते हैं हम, कौन कौन से नंबर ले सकते हैं यहाँ पर देखेंगे, एक तो हम ले सकते हैं 7, 31 लाने के लिए, ठीक 7 और 7 ले लिए, एक ऑड नंबर्स, एक 5 ले लेते हैं, तो 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 में फिर हम 19 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31, यस ये हमारा आंसर हो गया। तो 5 + 7 + 19, उसके बाद फिर आप इसी टाइप से लिख देंगे, आर थ्री ऑड नंबर्स है ना दैट मेक 31, ये हमारा आंसर हो गया 7, 5 और 19, ठीक। मतलब कि अपने को यहाँ पे थ्री नंबर्स लेने थे जो कि प्राइम भी हों और ऑड भी हों, और उनको ऐड करने के बाद हमारा 31 है। उसी टाइप से 16 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस, ये अब आपसे आसानी से बन जाएगा इसी टाइप से है ना, इसी चार्ट के हेल्प लेकर के आप इसको बना सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। 16 नंबर पे है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स, यानी कि ये जो नंबर्स हमको दिए हैं उनको ट्विन प्राइम में प्लस करके बनाना है, ठीक है। जैसे हमने ट्विन प्राइम्स के बारे में भी एक एग्जाम्पल जो देखा था, कहाँ गया, ट्विन प्राइम्स है ना, ट्विन प्राइम का हमने एग्जांपल क्या लिया था, ऐसे नंबर्स है ना, इसके बारे में क्या जाए जो कि ऑड प्राइम्स हो लाइन से, उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे कि नंबर्स हमने देखे थे 3 और 5 है ना, ये लाइन से आते हैं और ये क्या है, ऑड है, तो ये एक ट्विन प्राइम कहलाता है, ठीक। तो हमको नंबर मान लीजिए दे दिया रहेगा 8 और हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि इस नंबर को ऐसे नंबर से आप प्लस कीजिए जो कि ट्विन प्राइम हो, तो हम 3 + 5 करके बताएंगे कि 3 + 5 = 8 होता है। उसी टाइप से यहाँ पे अभी 8 तो दिया नहीं है अपने को, अपने को यहाँ पे एक बड़ा नंबर दिया है 36, ठीक। तो 36 अपने को नंबर दिया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्विन प्राइम्स को हम प्लस करके 36 ला सकते हैं। तो ये देखिए, यही 17 और 19, ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं, जानते ही हम कि दोनों ऑड भी हैं और कंसेक्यूटिव भी हैं, लाइन से भी आए हुए हैं, तो ये दोनों ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को ये वाले क्वेश्चन को 16 नंबर पे बनाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 17 नंबर के क्वेश्चन में,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, बस वो अपने को बताना है इन चारों में से। ठीक, पहला वन इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये तो गलत है, जो वन होता है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इफ़ ए नंबर इज़ प्राइम इट मस्ट बी ऑड, यानी अगर एक नंबर प्राइम है तो वो ऑड ही होगा, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक नंबर टू है वो भी प्राइम है लेकिन वो ऑड नहीं होता है, हम जानते ही हैं ना, ये जो हमारा जो टू है ये प्राइम नंबर आता है, इसके भी केवल दो फैक्टर हैं, या तो एक वन है और एक ये खुद है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है, एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, ये टू जो है टू से डिवाइड हो जाता है। ठीक, और ये ऑड किसको कहते हैं, जो टू से डिवाइड ना हो, तो ये भी हमारा गलत हो गया कि सभी जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, ये भी गलत है। थर्ड नंबर में हमको स्टेटमेंट दिया है द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर, यानी दो प्राइम नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो हमेशा वो एक नया प्राइम नंबर ही बनाएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे टू और थ्री प्लस किए तो फाइव आ गया, ठीक है ये तो बन गया, फाइव और थ्री प्लस किए तो एट आ गया, तो अब देखिए ये हमारा जो फाइव और थ्री जब हम प्लस कर रहे हैं तो वो तो एट आ रहा है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी इसका मतलब हमारा गलत हो गया, जो टू प्राइम नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर हमको नहीं मिलता है, यानी कि लास्ट वाला ही सही होगा। क्या दिया लास्ट में, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर, यानी कि अगर दो नंबर क्या है, एक को प्राइम है ना, को प्राइम का मतलब हमने जाना ही अभी था, और उनमें से, अब इसमें हमको कह रहा है कि उनमें से वन जो होगा वो प्राइम होगा ही होगा, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे को प्राइम्स के, को प्राइम्स का मतलब क्या समझा था, जिसका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे हमने फाइव एग्जाम्पल लिया था, इसमें देखिए टू और थ्री दोनों इसमें प्राइम है, इसमें हमसे बोल रहा है कि उनमें से एक ना एक हो तो प्राइम नंबर होगा ही, तो यहाँ देखिए दोनों प्राइम नंबर है, थ्री और फोर में थ्री हमारा प्राइम नंबर है, फोर और फाइव में फाइव प्राइम नंबर है, फोर और नाइन में नाइन हमारा, सॉरी नाइन हमारा प्राइम नंबर नहीं है और फोर भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत लग रहा है मुझे, रुके देख लेते हैं, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर। इसका मतलब कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सब गलत है, यानी कि यहाँ पे हमसे जो लास्ट में बोला था कि दो नंबर्स में दो नंबर्स जो होंगे वो को प्राइम्स होंगे, तो उनमें से एक कोई ना कोई एक प्राइम होगा ही होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर और नाइन भी को प्राइम है, को प्राइम का मतलब हम समझे ही थे, जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जब हम उनका फैक्टर निकालते हैं और कॉमन फैक्टर देखते हैं तो केवल एक ही कहलाता है उसमें, वन जो होता है वही उसका कॉमन फैक्टर होता है, तो ये दोनों नंबर के भी वन कॉमन फैक्टर है और ये इसलिए कॉमन को प्राइम कहलाएंगे, लेकिन दोनों नंबर ही प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो 17 में जो हमसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉन ऑफ दिस। इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होता है, जिसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई थी है ना, जिनका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं है, जैसे को प्राइम हो गया, ट्विंस प्राइम हो गया, इन सब ज़्यादा इनका यूज़ नहीं होता है, मेन मेन हमें कंपोजिट नंबर जानना चाहिए है ना, क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है ये सब हमें जानना ज़रूरी है, फैक्टर वगैरह हमने निकालना सीखा था, मल्टीपल्स क्या होते हैं ये जाना था इस वाले एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक किया जाता है, यानी कि कोई भी नंबर कितने से डिवाइड हो रहा है, जैसे कोई भी बड़ा सा नंबर अपने को दे दिया है, अब हमको जानना है कि क्या वो इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस बारे में हम एक्सरसाइज 2B में देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।